नाटक चुनाव में डेस्क कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और फिल्म अभिनेता राज बब्बर आगरा में जिले में 2 मई को जो राहत आपदा हुई और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आगरा पहुंचे। उन्होंने हिंदुस्तान के साथ आज बातचीत की अपने जयरबाग स्थित आवास पर। उनसे जानना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों जो 55 मृतक तक है उनको 4-4 लाख रुपये की मुआवजे की घोषणा की है। फिर भाई यहाँ का क्या लगता है आपको, ये काफ़ी एक अजीब सी ये चित्रित है सरकार की। एक ही चेक को 4 बजे बांटते हैं, पहले SDM आता है, SDM देता है चेक, फिर वो वापस ले लेता है, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर आते हैं वो देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं उनके सामने दिया जाता है। सिर्फ ये एक अखबारी संवेदना आपकी वो तो मैंने कर्नाटक में बहुत ज़्यादा नहीं चिल्ला था, वहाँ पर जो है बड़े बड़े व्याख्यान दे रहे थे, मैंने वो पर वहाँ पर चैलेंज किया था क्योंकि यहाँ पर तो ये इतने बड़े बड़े विज्ञान और ज्ञान और कानून व्यवस्था और राहत और इतने लोग मर गए यहाँ पर और विज्ञानों की हिफाजत की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज़्यादा लोग मर गए हैं इस तूफान में, 300 से ज़्यादा बच्चे इनके अपने क्षेत्र में मर गए, उस पर इनकी कोई निगरानी नहीं है, इनकी कोई इनका अपना जो है वहाँ पर कोई संवेदना नहीं। दूसरे के घर में आके दूसरे के प्रदेश में प्रचारक बन के ये बड़े बड़े ज्ञान और बड़े बड़े बिल्कुल वैसा ही शायद मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं निर्वा वर्ष का तो बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में आता है कुछ लोग निर्वा कह के सिर्फ दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं लेकिन अपने ऊपर जब आती है तो वो या अपनी कोई जिम्मेदारी होती है तो उसको जो है ये नहीं शब्द नहीं चलते। उनमें से एक हमारे उत्तर प्रदेश के होते अभी मैं पूछ रहा था उपेंद्र जी बता रहे 52-52 सौ रुपया दिया मकान के लिए, मकानों का जो एक गिर गए हैं उनकी मरम्मत के लिए 52 सौ रुपया। मैं सिर्फ से यही कहूँगा कि 52 सौ रुपया सरकार भी 52 सौ रुपये में क्योंकि दीवार जो है अगर दीवारी के लिए उसको बना के बता मतलब उसमें क्या सीमेंट लगाएंगे या मिट्टी से बनाएंगे, अगर मिट्टी भी नहीं लगाएंगे तो क्या ईंटों से बनाएंगे, क्या करेंगे। मैं DM और SDM साहिबान से उन्होंने ये सर्वे किया है और उनसे जरूर पूछना चाहूँगा कि 5200 रुपया किस सर्वे के और किस आंकड़े के अनुसार दिया है। इनके लिए हर जो है एक राहत भी जो है जात बिरादरी के ऊपर निर्धारित हो गई है। अभी अम्बेडकर जयंती के वर्ष में कुछ लोग बाहर आए हुए थे कुमूरपुर गाँव का और एक ट्रांसफार्मर फटा, ट्रांसफार्मर फटने के बाद में मेरे ख्याल से मतलब 3 लोग मारे, चार लोग बेचारे वो ट्रांसफार्मर फटने से उसी उधर उनकी मृत्यु हो गई और बाकी लोगों का जो नुकसान हुआ और आज भी वो नुकसान की नहीं भरपाई और वहाँ पर ना मुख्यमंत्री गए, SDM ने भी किसी तरह की कोई राहत नहीं की। यानी आज जान की कीमत भी धर्म और जाति पर हो गई, जब हम आपकी जात जो है जान की कीमत के हकदार नहीं हो, आपका धर्म जो है आपका मजहब जो है जान की कीमत का हकदार नहीं है, ऐसी सरकार क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्या ये सरकार जो है यह चंद लोगों की सरकार है। क्योंकि कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि यहाँ की मैं आज सभी जगह जाना चाह रहा था लेकिन शाम को मेरी 8 बजे की फ्लाइट 8:30 बजे मतलब फ्लाइट है और मुझे 7:30 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचना है, मुझे वापस जाना है और मुझे वहाँ पर मुझे लास्ट डे दें कैंपेन और मुझे बेंगलोर जाना है। मेरी 3 दिन का जो वक्त है बेंगलोर जाने के लिए मुझे कल पहुँचना 12 बजे, मेरा कल का दिन भी आना चला गया लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना घटी है, मैं एक कांग्रेस के जिम्मेदार शख्स की तरीके से भी और अपने परिवार है मेरे अपने लोगों के बीच में भी मेरा आना मेरा एक फर्ज था और इसलिए मैं यहाँ पे आया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बहुत सवाल मचा हुआ है, उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहेगा, लगी नहीं चाहिए हटाई जानी चाहिए जो विरोधाभास इस समय। मुझे बड़ी खुशी हुई आपने ये सवाल पूछ लिया क्योंकि मैं कल से एक बड़ा व्हाट्सअप बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया पर कि आजकल जिन्ना भारत आए हुए हैं चुनाव खत्म होते ही वो वापस चले जाएंगे पाकिस्तान और जाकर वहाँ अपनी कब्र में सो जाएंगे।
तो ये जिना जो है, मेरे ख्याल से जिसने भी ये व्हाट्सएप पे लिखा है, ये जो है बीजेपी की मानसिकता है, ये आरएसएस की मानसिकता है जिसको उसने दर्शाया है। और जिना के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मसला जो है, अगर कोई भी गंभीर मसले होते हैं या कोई भी विवादित मसले होते हैं, तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो यूनियन है, जो उसकी जो क्या बोलते हैं कैबिनेट जिसको बनाते हैं, ये वो बैठ तय करती है। ये प्रेसिडेंट भी अगर वहाँ का चाहे तो नहीं कर सकता। तो ये एक अपने आप में मेरे ख्याल से इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, ना कांग्रेस के नाते ना राष्ट्रीय रूप से। और मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूँ कि संसद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और जिना की तस्वीर लगी हुई, क्योंकि मैं आज की तारीख में टिप्पणी करूँगा कि उनका तो चुनावी मुद्दा सही उसमें हो जाएगा, तो मैं देख लेता हूँ कि जिना चले जाए चुनाव के बाद में फिर टिप्पणी कर सकता। अच्छा, ये नूरपुर और कैराना में राघव और सपा के साथ बैठे हुए कांग्रेस का ही मतलब भविष्य की संभावना है। हमने बहुत साफ ही कहा अगर कि हमारे पास में 3 सीटों पर हम नंबर 2 पे हम लंगोर नूपुर में और ये तीसरी चीज खड़ा हुआ, इस पर हम नंबर 2 हमारे बूथ कोई 2.5 लाख करीब होगा और जिसमें सपा तीसरे नंबर पर बी एच। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी को सहूलत करना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने पहले ये तय कर लिया था। अभी जैसे सवाल उसका ये इसमें कहना है कि हम चुनाव लड़ने गए, तो हमने बहुत बात साफ कहा कि भाई हम ये चंद दिनों में चुनाव लड़े, क्योंकि हम वहाँ पे अनाउंस कर चुके थे पूरा वहाँ, तो हमने लोगों से कहा था कि हम अनाउंस कर चुके हैं, एक सीट आप लड़ लो, एक सीट होंगे तो जो आप समझते हैं कमजोर सीटें होंगे, ताकि वर्कर जो है उसको जो है शर्मिंदगी महसूस न करना पड़े। लेकिन अब यहाँ पर इसीलिए हमने कोई पहल नहीं की, और अभी कल रात को आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या और आधार साहब भी वहीं पर ये कर्नाटक में, मैं भी कर्नाटक जो जा ही रहा हूँ, रात को जाऊँगा तो सुबह तक क्या फाइनल क्या पोजिशन होगा। कर्नाटक की तस्वीर किस वजह देख रहे हैं? देखिए, कर्नाटक के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति के इरादे का, कि जो काम से कर ऐसा कुछ किया है किसानों को लेकर और नौजवानों को लेकर और बच्चों को लेकर महिलाओं को लेकर, अभी वहाँ योजना को भाग्य कहते हैं, योजना का नाम भाग्य होता है, इसे क्षीर भाग्य योजना है। क्षीर भाग्य योजना है कि कोई भी बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको दिए होते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा उत्साहवर्धक है, क्योंकि जिन क्षेत्र में बच्चे रहते हैं, गरीब बच्चे, उनके लिए पोषक जो है बहुत जरूरी है, दूध उनको मिलता है, और इसका गांव गांव में गरीब परिवारों में इसका बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा, किसी भी जात किसी भी जाते हैं। एक उनके यहाँ जो है इंदिरा कैंटीन है, जहाँ पर 25 रुपये में 3 वक्त का खाना मिलता है, अमर पेट खाना मिलता है पूरे कर्नाटक के अंदर। ये जो है कैंटीन है, एक जो है उनकी जो है अन्न भाग्य, इसके अंदर 8 किलो चावल जो है वो फ्री मिलता है जो गरीब परिवार को लेते। तो ये और एक उन्होंने किसानों को 22.5 लाख किसानों को राहत दिया, कर्जा जिनका माफ हुआ और आगे के लिए जो भी करता है बिना उसके सुधा बिना इंटरेस्ट करदा किसान को करदा दिया। तो ये तमाम जो चीज़ें जो सामने आई और 75 लाख किसानों के लिए अगली योजना उन्होंने शामिल कर, और जो बच्चे अगर हाई स्कूल से यानी 15 साल से लेकर 23 साल के बीच जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को स्मार्टफोन देने का काम किया, यानी किसी भी हाथ में पढ़, क्योंकि वहाँ पर जो है ई आड़त यानी अनाज जो है अब मंडियों में जाकर बेचने के बजाय वो टेलीफोन पर बेचते हैं,